ये हमारे कॉलेज का ग्राउंड है और मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे कॉलेज में को एजुकेशन है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो हमारी हैं वो अभी वहाँ पे फ़िलहाल गर्ल्स की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। इसके अलावा जो हमारी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर थी जब हम पढ़ते थे तो तब यहाँ पे को एजुकेशन थी, लेकिन अब जो है यहाँ के जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर शबीर राजा साहब, उनकी कोशिशों की वजह से BS मैथमेटिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई और ये अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बन चुका है। ये हमारे कॉलेज का ग्रीन एरिया, स्मीन, मिलाहा, अनीजा, रिमशा और मेरी जो बाकी सारी फ्रेंड्स हैं इकरा, सनिया, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। ये हमारे कॉलेज के फूल, इंतहाई खूबसूरत ग्रीन एरिया। अभी जिस तरह मौसम चेंज हुआ है तो उसकी वजह से हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। ये गर्ल्स कॉमन रूम है हमारा और कॉन्फ्रेंस हॉल भी इस साइड पर है। इसके अलावा ये सामने हमारा कैफ़े है जो कि फ्राइडे की वजह से आज बंद है, और ये हमारे कॉलेज का पार्किंग एरिया। तो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। यहाँ पे जब हम होते थे, जब हमने बैचलर्स किया था तो यहाँ पे मतलब बस ग्रीनरी होती थी और यहाँ पे हम बैठते थे फ्रेंड्स के साथ जब भी हम फ्री होते थे, लेकिन अब जो है ना यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आ गए। तो प्रोफेसर शबीर राजा साहब की कोशिशों की वजह से यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आए हैं। जिस तरह मैंने आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में बताया है, इसके अलावा यहाँ पे देखें नया एक फाउंटेन भी नस्ब हुआ है, और इसके अलावा काफ़ी अगर आप देखें कॉलेज का ओवरऑल आप व्यू करें तो काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स न्यू, और इसके अलावा जो है ना काफ़ी चेंजेस आए हैं। मतलब क्लासेस भी आपने जैसे चेक की होंगी, इसके अलावा कॉलेज मैंने आपको अंदर से भी दिखाया है। मैं और मेरी फ्रेंड्स जो व्लॉग देखेंगी जिन्होंने मेरे टाइम में बैचलर किया था, उनको आई होप कि काफ़ी कॉलेज में चेंज नज़र आएगा, और डेफिनेटली ऐसा हुआ भी है। चले आए, मैं अब आपको कॉलेज का इंटरमीडिएट ब्लॉक दिखाती हूँ। कॉलेज का इंटर ब्लॉक है, आपको मैं इंटर ब्लॉक दिखाती हूँ। ये हमारे इंटर ब्लॉक का रूम नंबर 1, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अलावा ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रूम्स हैं, और काफ़ी क्लासेस भी हो रही हैं। फ्राइडे है जिसकी वजह से क्लासेस जो है ना वो नहीं भी हो रही, तो स्टूडेंट्स बाहर घूम रहे हैं। रूम नंबर 3, तो ये इंटर ब्लॉक का रूम नंबर 9 है। इसके अलावा अब मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पे मेरी काफ़ी क्लासेस हुई हैं और काफ़ी हमारा अच्छा टाइम गुजरा है। वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, काफ़ी ग्रीनरी है कॉलेज में। इसके अलावा अच्छा जी, ये है हमारा फिज़िक्स लैब जिसको देख के मुझे बस आहता सुमीन की याद आ गई है। मिनी, आई रियली मिस यू। फिज़िक्स लैब के साथ हमारा ये, हमारे टाइम में तो ये कंप्यूटर लैब था, लेकिन आई थिंक अभी चेंज हो गया है। रूम नंबर 13, और ये मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लास नहीं हो रही। हाँ एग्जैक्टली, हमारे टाइम में तो ये कंप्यूटर लैब था लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अच्छा, तो ये हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी, ये रूम है रूम 15, यहाँ पे हमारी होती थी क्लास कंप्यूटर की, और मैम सिदा लेती थी हमारी क्लास। अंदर से भी रूम में लाजमी दिखाती है आपको, लेकिन क्लास हो रही है स्टैट की, सो नहीं तो मैं आपको लाजमी दिखाती क्योंकि इस रूम के साथ मेरी काफ़ी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। नंबर 15 के साथ रूम नंबर 16 है, यहाँ पर रिमशा की क्लास हुआ करती थी फिज़िक्स की, और हम लोग यहाँ से कंप्यूटर की क्लास लेने के बाद फ़ौरन से इस रूम में जाते थे रिमशा से मिलने के लिए।
इसके अलावा आगे मैं आपको दिखाती हूँ। साइड पे बॉयज़ हॉस्टल है। इसके अलावा ये यहाँ से मैं आपको जो हमारे टाइम में डिग्री ब्लॉक होता था उसकी ओवरव्यू आपको पूरा दिखाती हूँ। मैं अब आपको गर्ल्स विंग दिखाती हूँ। ये हमारी गर्ल्स विंग है। यहाँ पे जो ये ग्रीन एरिया बना हुआ है यहाँ पे मोस्टली गर्ल्स ही होती हैं। आपको मतलब सारी क्लासेस और रूम्स वगैरह दिखा दी। इसके साथ ही हमारी होती थी इकोनॉमिक्स की क्लास और इसके साथ ही आ गया रूम नंबर 20, यहाँ पे होती थी स्टैट की क्लास। अच्छा जी, कॉमन रूम यहाँ पे हमारा गर्ल्स का कॉमन रूम। इसके अलावा यहाँ पे बाइक देखें तो आप प्लेग्राउंड है। कॉमन रूम के बिल्कुल साथ ही हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है। ओके, प्रिंसिपल ऑफिस के साथ वाइस प्रिंसिपल रूम है हमारा और उसके साथ ही जो है ना हमारा एडमिन का स्टाफ है, एडमिन ऑफिस है। चले अब आपको मैं प्रिंसिपल ऑफिस दिखाती हूँ। और अब अभी हमारे जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर शबीर राजा साहब हैं। सो ये हमारा वाइस प्रिंसिपल ऑफिस है। चलिए इस टाइम जो हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब हैं वो आसिफ खट्टर साहब हैं। तो प्रोफेसर शबीर राजा साहब की कोशिशों की वजह से यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स के लिए ठंडे और ताज़ा पानी का इंतज़ाम किया गया और ये न्यू फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे नस्ब हुआ है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से भी। चले आए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का सेकंड पॉइंट है जो गर्ल्स के लिए है। इसके साथ ही बैक साइड पे कॉमन रूम है और ये जो यहाँ पे जो है ये गर्ल्स के लिए और जो बैक साइड पे आपको दिखाया है वो बॉयज़ के लिए। एक्स्ट्रा पॉइंट जो इन्होंने बाहर नस्ब किया है मतलब बाहर से जो लोग भी गुजरते हैं उनके लिए। सो ये हमारा वॉलीबॉल का प्लेग्राउंड है। इसके साथ ही मेरी दाईं तरफ अगर आप लोग देखें तो ये बास्केटबॉल का प्लेग्राउंड है। इसके अलावा जो आपको ये कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, जगह जगह आपको मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में हम पूछेंगे सर नदीम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, केयर टेकर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कुमटा फॉर बॉयज़। ये सामने जो आपको मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं या खड्डे नज़र आ रहे हैं, ये हमारी लाहौर से टीम आई थी। हमारी BCS की ऑलरेडी क्लासें इजरा हो चुका है, क्लासें चल रही हैं, ठीक है जी। उसकी और उसमें बेहतरी लाने के लिए लाहौर से टीम आई थी, मिट्टी का सैंपल लेकर गए हैं ना। खड्डे सामने आपको नज़र आ रहे हैं, तीन खड्डे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। अल्लाह इनके मज़ीद बिल्डिंग इंस्टॉलमेंट होगी है, नई बिल्डिंग बनेगी, इंस्टॉलमेंट होगी BCS ओनली फॉर BCS क्लासों के लिए है। सही है। तो ये प्रोफेसर प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कोटा मोहम्मद शबीर राजा साहब की अनथक कोशिशों से और मेहनत से ये जितना भी आपको नहीं, मैंने काफ़ी देखा है कि जिस टाइम हम बैचलर में यहाँ पे पढ़ते थे तो काफ़ी यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें थी जो अंडर प्रोसेस थी और अभी मैंने देखा है कि कॉलेज में काफ़ी चेंज आया है। और मैंने सुना है कि BS इस्लामिक स्टडीज़ की क्लासेज हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं क्लासेज है ना, दो तीन में माह हो गए हैं। वीडियो कट कर। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पे BS मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट हैं और फर्दर क्लासेस का भी प्रोसेस चल रहा है। फर्दर का प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह ब्रीफ वो भी हो जाएगा BCS किया, ठीक है। ये सामने जो मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं, खड्डे नज़र आ रहे हैं, हमारी टीम आई थी मिट्टी का सैंपल लेकर गए हैं ना, नई अजरा करने के लिए, नई क्लास बिल्डिंग बनाने के लिए है। कुछ टाइम पहले पानी का काफ़ी इशू होता था, गर्मियों में पानी बिल्कुल भी नहीं होता था। अभी मैंने देखा है कि यहाँ अभी आपको फिल्ट्रेशन प्लांट नज़र आ रहा है, 2-7 आपको पॉइंट दिखाएँ, ठीक है जी। ये राय साहब की अनथक मेहनत और उनकी कोशिशों से ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। काफ़ी चेंजेस नज़र आए हैं और ये सारा क्रेडिट उनकी मेहनत, उनकी अजमत को हम सलाम करते हैं कि जिन्होंने आपने थोड़े से वक्त में जो है ना इस कॉलेज को, हमारे स्कूल मिड ग्रेजुएट कॉलेज कोटा को जो है ना 4 चांद लगा दिए हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, शुक्रिया। सो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे कॉलेज का विजिट करवा दिया है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी मेमोरीज रिकॉल हुई होंगी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये व्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव हुआ होगा, स्पेशली जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं आगे। और इसके अलावा ऑलमोस्ट सब ने इंजॉय भी किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।